नमस्कार दोस्तों, द न्यूज़ गाइड यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो इस समय हम उसी जगह मौजूद हैं जहां पर ट्रेन का एक्सीडेंट हुआ था इटावा में। और आपको बता दें कि ये जो ट्रैक है, दूसरा वाला ट्रैक जिस पर एक्सीडेंट हुआ था, वो भी बनकर तैयार हो चुका है, वो भी चालू हो चुका है और उस पर भी एक ट्रेन आ रही है। तो अभी आप देख सकते हैं कि हल्का हल्का अगर आपको दिखाई दे रहा हो, ये ट्रेन आ रही है और ये रूट भी चालू हो गया है। हालांकि फिनिशिंग कार्य जैसे कि अभी चालू है, जो फिनिशिंग का वर्क है, छोटा मोटा काम है, वो कर्मचारी लगे हुए हैं, तो वो काम अभी भी जारी है। तो हम आपको अभी दिखाएंगे कि ट्रेन आ रही है और यहाँ से गुजरेगी ट्रेन। हालांकि ये खाली मालगाड़ी है। आपको बता दें कि ये भी जो पिलर आप देख रहे हैं, ये कल ही बनकर तैयार हुआ। ये सारे पिलर जो कल इन पर काम चल रहा था, अभी बनकर तैयार हुए हैं और इसके बाद ये तार की फिटिंग, वायर की फिटिंग कर दी गई और आज ये ट्रैक चालू भी कर दिया गया। आप देख सकते हैं इस पर ट्रेन भी गुजरने लगी है। आप देख सकते हैं यहाँ से ट्रेन गुजर रही है और बहुत स्लो गुजर रही है, चूंकि यहाँ से ट्रेन गुजर रही है। आप देख सकते हैं जहाँ पर एक्सीडेंट हुआ था, तो ये भी ट्रैक चालू हो गया है और ये बगल में आप पूरा जो है इसका कचरा देख सकते हैं कि किस तरीके से जो कचरा है यहाँ पर अभी भी डला हुआ है मालगाड़ी का जिसका एक्सीडेंट हुआ था। तो फिनिशिंग कार्य चल रहा है। हालांकि ये भी ट्रैक तैयार हो चुका है और ये भी लाइन पूरी तरीके से चालू हो चुकी है। स्पीड कम इसलिए है क्योंकि अभी थोड़ा सा काम पटरियों में जो लूजिंग है उसे टाइट किया जा रहा है और गिट्टियों को सेट किया जा रहा है। तो ये काफ़ी लंबी ट्रेन है। हालांकि ये खाली है, वाहन क्षमता जो है एक डब्बे की 669.5 टन है। आपको बता दें कि जैसे सूचना मिल रही है, उनका कहना ये है कि जो एक डब्बा है, आपको ये जो डब्बा दिखाई दे रहा है, तो ट्रेन का जो एक डब्बा था उसका एक पहिया ख़राब था और वो पहिया जब गड़बड़ हुआ, उसके बाद आधी ट्रेन उसी के वो पहिया पटरी से उतर गया। उसके बाद पीछे के जो डब्बे थे वो आपस में भिड़ गए। इसके बाद ये पूरी घटना जो थी, एक तरीके से उसने बहुत ही भीषण रूप ले लिया और जो गिट्टी वगैरह थी वो सारी की सारी यहीं गिट्टी पलट गई और पूरा का पूरा जो डब्बे थे, 42 डब्बे थे, वो क्षतिग्रस्त हो गए। तो आप देख सकते हैं ये जो ट्रेन है, ये जो इस पर स्पेशली वो जो लोहे का सामान होता है वो ले जाया जाता है और ये जहाँ तक है हावड़ा जा रही होगी, क्योंकि वहाँ पर स्टील प्लांट है, उधर से ये दिल्ली की तरफ आती है। ये काफ़ी लंबी ट्रेन है, बहुत सारे डब्बे हैं और लगभग अभी थोड़ी देर में ख़त्म होगी।
और ये लास्ट जो है गार्ड वाला डब्बा वो आ चुका है। आप देख सकते हैं कि इस ट्रेन को आराम से गुजारा गया है। हालांकि आगे जाके जहाँ पर ट्रैक सही है वहाँ ये ट्रेन स्पीड पकड़ लेगी। तो ये ट्रेन बिल्कुल आराम से गुजारी जा रही है ताकि जो इसमें कमियां हों उसका कोई ट्रेन पर फर्क ना पड़े। तो आप देख सकते हैं ये ट्रैक पूरा तरीके से चालू है। जो इंजीनियर्स हैं और जो वर्कर्स थे बहुत ज़्यादा पहले जो जिनकी संख्या थी अब वो ज़्यादातर जा चुके हैं, कुछ ही वर्कर्स यहाँ पर बचे हैं और आज रात तक ये सारे लोग चले जाएंगे। तो ट्रेन जा रही है और इसी के साथ आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी जल्दी से ये काम किया गया है। 3 दिन के अंदर दोनों ट्रैक चालू कर दिए गए और इससे गाड़ियाँ भी गुजरने लगीं।